आज माँ को भी पता चलने दो कि उसका बेटा, उसका लगती जिगर, जिसे वो बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर समझती हैं, वो कोई और नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 मार खार है। वांटेड मुझे 30 मार खार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? अगली फिल्म का टाइटल है। कैसा लगा तुझे गुंडी? अरे बहुत अच्छा लगा, तेरी पिछली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छा। कौन सी फिल्म? अरे वही ओम शांति ओम। याददाश्त तेज है, दबा के बादाम खा रही है तू। बैठ बैठ जा आनिया, यहाँ बेटे आजा 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 आजा। तू बहुत दिनों के बाद आया है ना, तो तुम दोनों के लिए मैंने अपने हाथों से सीख कबाब बनाया है, तुम दोनों बैठकर खाओ। हाँ अच्छा। तब तक ना मैं बिरयानी बनाकर आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना चिल्लाती हो तुम, तुम और तुम्हारे टॉन्सिल्स, माँ को पता चल जाता तो? चल जाता तो क्या, माँ का दिल टूट जाता ना। और तुम्हारी हड्डियाँ, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा हूँ। इसमें कौन सी नई बात है कमीनी, स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है तो? कम से कम मैं दुनिया से तो ये कह सकती हूँ कि मैं हूँ हुस्न की मालिका आनिया खान। है तुम्हें इतनी हिम्मत कि दुनिया से अपनी असलियत बता सको? हाँ कि तुम 30 मार खा हो? डरपोक। मैं डरपोक? हाँ डरपोक। अभी बताता हूँ कि मैं डरपोक हूँ या बहादुर। मैं हूँ 30 मार खा, मैं हूँ 30 मार खा। मैं नहीं हूँ 30 मार खा, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कसम से। बाहर पुलिस आई है, पुलिस को संभालो, माँ को भी। कैसे? एक्ट्रेस बनने का शौक है ना, जाओ एक्टिंग करो जाओ। अरे कौन है, कौन मर गया है, कौन इतनी घंटी बजा रहा है? मम्मी वो थे ना स्क्रीन टेस्ट के लिए। एक्टर्स? वो ही 30 मार खान के लिए ना, पुलिस के रोल के लिए बुलाया था। अरे हाँ, लेकिन तबरेज कहाँ है? कहाँ है वो? वो छुप गया है। छुप गया? क्यों? इन्हें उसे ढूंढने की एक्टिंग करनी है, यही तो टेस्ट है। ओह, तो एक काम करते हैं, इनका टेस्ट ना मैं लेती हूँ, आखिर मैं डायरेक्टर की माँ जो हूँ। तू एक काम कर, वहां जाकर बैठ जा। हाँ पुलिस, 30 मार खा यहाँ है। अरे गधे, तुम लोग पुलिस वाले हो कि चंदा मांगने वाले हो? तुम लोग मुझे पूछोगे कि 30 मार खा कहाँ है और मैं तुमको बता दूंगी। हाँ चलो फिर से पूछो, फिर से, और इस बार सख्ती से पूछना। हाँ चल चल फिर से पूछो। पुलिस, यहाँ है 30 मार खा। ये हुई ना बात, अब ना तू ना मुझे धक्का मार और अंदर चल। अरे मार धक्का और घर में घुस। चल तू भी मार धक्का। अरे मार ना। कहाँ से आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए? मम्मी क्या हुआ? हाय अल्लाह, ये ठोक। अरे मुए, रोल में तो घुस गया लेकिन ये जो रायता फैला कर रखा है उसे साफ कौन करेगा, तेरा बाप। चल 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 अंदर रख, सब अंदर रख। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों करेगा बताइए? सिर्फ ये अकेला नहीं रखेगा, तू भी रखेगा समझे? मैं भी करेगा ना। रखता के रखो इस कान के नीचे। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। तुम लोगों को भी और मुझे भी। फोन। गुड। सेम फोन मेरी माँ के पास भी। मेरी माँ की तस्वीर। हरामखोर मेरी माँ का फोन चोरी कर लिया। आई लाइक रॉबर्ट, आई लाइक रॉबर्ट, आई लाइक रॉबर्ट। हेलो, कबूतर पिंजरे से उड़ान भर चुका है, वो दाना चुगने के लिए तैयार है, दाना कब और कहां से उठाना है तुम बताओगे? स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। कल रात डांडिया। ओके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करूँ। हाँ
अब तक का सबसे मुश्किल काम है ये। अरे इसमें मुश्किल क्या है बॉस, देखो ये मसाला ना इसको चिकन के अंदर डालने का और ये चिकन को दही के अंदर। ए, तेरे को इतना भी नहीं मालूम क्या, खाना बनाते टाइम बॉस का भेजा ओवर टाइम काम करता है मालूम? सॉरी बॉस। 10,000 किलो के एंटीक्स चलती ट्रेन से निकालना और उस ट्रेन में कम से कम 20 से 30 पुलिस वाले होंगे। बॉस भले ही पुलिस वालों को हम चकमा दे दे लेकिन 10,000 किलो का माल हम 4 लोग उठाएंगे कैसे? पूरा महीना निकल जाएगा यार। ऊपर से 3-4 बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा टूटेली पीठ का इलाज कराने को। बॉस और लोगों की जरूरत पड़ेगी। आराम से 200-300 आदमी लगेंगे। पर इतने पंटर लाएंगे कहां से बॉस? अबे इतने पंटर तो हम लोग जमा कर लेंगे लेकिन 200 से 300 लोगों को अपना प्लान बताना खतरे से खाली नहीं है बॉस। करेक्ट, उनमें से अगर एक आदमी पुलिस का खबरी निकला तो अपने तो 12 बज गए ना। बॉस क्या हुआ? मेरे को लगता है ना कि ये काम नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है, तेरे को मालूम है। चल निकल यहां से, निकल। बॉस मेरी डिक्शनरी में है, बुलाऊं? हां ले क्या, जा ले क्या अपनी डिक्शनरी। क्या हुआ बॉस? बाहर आओ बॉस। क्या रे क्यों चिल्ला रहा तू? क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा बॉस वो देखिए कलवला एक्टर आतिश कपूर। अब आपकी नजर कौन से अवार्ड पे? ऑस्कर। ऑस्कर? जी हाँ, डम डॉग मिलियनेयर को पहले मुझे ही ऑफर किया गया था लेकिन मेरे सेक्रेटरी बंटी की बेवकूफी की वजह से वो रोल मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगले साल ऑस्कर आतिश कपूर ही जीत के भारत लेके आएगा। मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। ऑस्कर पुलिस सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है, पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है और पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। अरे मिल गया भैया। क्या मिल गया? तुम्हारे माल निकालने का प्लान। वेरी गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। क्या है प्लान? तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा लेकिन किसका? हमारा क्या तुम्हारा? मेरी ईमानदारी पे शक है, मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें? तुम ही बताओ क्या तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा किया जा सकता है? चांद से धूप की उम्मीद करना और इस्मार खान से ईमानदारी की, दोनों बेकार हैं। हम जानते हैं कि तुम बेईमान हो लेकिन धोखेबाज नहीं। चलो प्लान बताओ। गौर से सुनो, ट्रेन के दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसी एक गांव में मैं एक फिल्म की शूटिंग करूंगा और वो भी हिंदुस्तान के जाने माने सुपरस्टार आतिश कपूर के साथ। गुड जोक। ये जोक नहीं, ये मेरा प्लान है। चलो पीते हैं बुरखे में। अबे चाय पीते हैं बुरखे में। तुम्हारा माल जिस ट्रेन में आएगा वो ट्रेन इस फिल्म की कहानी का हिस्सा होगी। आतिश कपूर और 300 भोले भाले गांव वाले क्रांतिकारी की भूमिका निभाएंगे। अपनी ट्रेन को वो लोग अंग्रेजों की ट्रेन समझकर वो अपनी जान पर खेलकर पहले उस ट्रेन को रोकेंगे, फिर सारे गांव वाले उस ट्रेन पर चढ़कर पुलिस वालों पर कब्जा करेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे और फिर सारा माल निकालकर आप लोगों की गाड़ी में भर देंगे। क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर स्टार आतिश कपूर है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। इनफैक्ट ये सारा काम पुलिस की निगरानी में हो रहा है, यानी कि फुल पुलिस प्रोटेक्शन। वाह वाह, तुम तो बोल बे ओ खानों में खान। डायरेक्टर कौन है? 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 अबे मैं हूँ डायरेक्टर यार। क्या बात है, तो प्रोड्यूसर हम हैं, डायरेक्टर पे नजर रखेंगे। लेकिन मैं खान साहब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सेट पे मिलते हैं। बॉस कंट्रोल, माल ये लोग ही देंगे हमें। साले टकले कहीं के। बॉस प्लान तो हो गया, अब क्या करें? अब ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। बॉस लेकिन ईद तो 3 महीने पहले हो गई। 30 बार खा के लिए हर चांद ईद का चांद होता है। तो बॉस बॉस सलमान भाई को बुलाओ ना। ए हरामी से, ए कनेक्शन लगा रे। लगा 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 नहीं लगा लगा। हेलो सलू। हाँ 30 बार कहाँ बोलो, क्या हाल है? अरे आओ ना, बच्चों की मन्नत है, ईद सेलिब्रेट करते हैं। अपने आने के घर के नीचे। अरे पहचानते हो, बल्ला पहचानते हो आने को। ओके ओके ओके। बल्ला बल्ला
भाई क्या कर रहे हो, बैंड स्टैंड जाओ। चलो चलो जल्दी करो, डांसर्स को बुलाओ, चलो चलो। बॉस बॉस बॉस, हम इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? मेरे प्लान के मुताबिक जो हमें सामान चाहिए वो हमें इसी सेट से चुराना है। बॉस, चंकी पांडे, चंकी पांडे, बॉस मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी, गलती सबसे होती है। हाँ सर, ऐसे ऐसे और ऐसे। डांसर्स, आप लोगों को गुलाल उड़ाना है, ओके? ए, मेरे ऊपर मत फेंकना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो। अरे वहाँ बुलाया है। अबे हम लोग डांसर नहीं, चोर हैं। चलो। रोजाम, कैमरा, एक्शन। चोली में होली टेक वन, वन टू थ्री। मुझे इधर उधर हाथ लगा रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ शूटिंग रोको, मैं बोल रहा हूँ ये हमले को रोको। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े। शूटिंग का सामान कहाँ है? अरे मेरा कैमरा, मेरी लाइट, अरे मेरी सीटी, मेरी चड्डी। अरे सर, वो कैमरा का वैन भी चोरी हो गया। ए, ये वही रास्ता है ना जो नारायणपुर जाता है? हाँ बॉस, ये वही गांव है जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। सोडा ने बोला मेरे को। हाँ, डॉलर ने ये रास्ता बताता है ना डॉलर? हाँ, हाँ, मैंने क्या बताया? मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि नारायणपुर किस कद्दू का नाम है। तुम लोगों के एक कान के नीचे बजाएगा मैं। पता नहीं कैसी वानर सेना पाल रखी है मैंने। मैंने बस इससे बताया। तुम लोगों को बोला था ना नारायणपुर की किसको ठोका तूने? मालूम नहीं बॉस। साले किसको ठोका तूने? अरे बचाओ, अरे बचाओ। अबे आवाज तो आ रही है। अरे उधर नहीं, ऊपर ऊपर। भाई साहब हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए भाई साहब। बॉस गांव ले, लगता है आज बहुत पड़ेगी बॉस। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सारा इल्जाम तुम लोगों के सर पे डाल दूंगा। बॉस तुम भी ना, चलना आगे। ईश्वर तू ठीक तो है ना? हम तो ठीक है नाना जी, बचे हुए हैं। इसकी तरफ से हम सब आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है, पर जानबूझकर नहीं। नादान है ईश्वर, बावला है दिमाग से। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे इस छोटे से गांव का नाम है धुलिया और मैं हूँ यहाँ का मुखिया। आप कौन? जी मैं इन तीनों का मुखिया। या, या, हाँ, या, या। मेरा नाम है नाना पाटेकर गनपुले। ओ हाँ हाँ, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नारायणपुर। यही 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 धुलिया, बहुत नाम सुना था मुंबई में इस गांव के बारे में। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी, यहाँ की तंदुरुस्ती और यहाँ के रेलवे ट्रैक्स, हमारे काम के लिए इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, समझे? काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अटैक। देखा नाना, अब तो हमारे गांव के चर्चे बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होने लगे। मैं ना कहता था एक दिन हमारा गांव बहुत मशहूर हो जाएगा। सूबेदार। हाँ नाना, उधर नहीं इधर है। Lights, camera, action! कितनी अच्छी जगह, फर्स्ट शॉट हम यही लेंगे। बॉस कैमरा! ये हुई ना कोई बात, ये छोटी फिल्म नहीं है, बड़ी फिल्म है। जाओ बड़ा कैमरा ले कार, खेतों में रखो, जाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लाइट 500 बोल रहा है। एक काम करो, सूरज को बोलो यहाँ आने के लिए। बड़ा कैमरा, वेरी गुड। एक काम करो, कुछ औरतों को बोलो खेतों में लेट जाए, फटाफट लेट जाओ। वेरी गुड। औरतें कह रही है यार, सर सूरज नहीं मान रहा है। ओहो, सूरज नहीं मान रहा है। एक काम करो, उसे घूस दो और बोलो इधर आए, फटाफट। सूरज सूरज मानी मानी सूरज। चार औरतों ने मारा मुझे। ओहो, तो तुम लेट जाओ नंगे खेतों में, रेडी। अरे कोई मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है। बेटा ये क्या कर रहे हो? शूटिंग शूटिंग, जानवरों की शूटिंग। चिंकारा ब्लैक बग। ओहो, फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, सिनेमा, समझे? सिनेमा पिक्चर की शूटिंग। अरे गुल्लू सत्तू चाची, हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग होने वाली है, सभी लोग आ जाओ। We'll be right back.
इंस्पेक्टर धुरिंदर, मैं यहाँ के थाने का अध्यक्ष हूँ। क्या मैं आपके यहाँ शूटिंग करने का क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं उसको वै, 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 परमीट परमीट देख सकता हूँ? क्या बात है, आवाज सुनी सुनी आवाज इंस्पेक्टर साहब की? बॉस बॉस, मैं तो कहता ही नहीं, वो वाला मेन रोल दे देते। बॉस, वो दूध वाले का रोल इसको दे देते, लगता भी है। नहीं, दूध वाले का नहीं, दूध वाले का रोल को इंस्पेक्टर का बना दिया। क्या, 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 ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन आप मेरे लिए क्यों अपनी पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बदलेंगे? मतलब क्या क्या जरूरत है? मैं कौन? डायरेक्टर। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा सर? देखो बेटा धर्मेश, धर्मेश शो बिजनेस में या तो तुम्हारे पास है या फिर नहीं। और धर्मेश, क्या मैं तुम्हें धर्मेश बुला सकता? वैसे तो धुरिंदर। ठीक है धर्मेंद्र, तुम्हारे अंदर वो बात है। अब क्या क्या बात है? सेक्स फैक्टर, बच्चों की फिल्म है। एक्स फैक्टर, एक्स एक्स फैक्टर, तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए एक्सट्रैक्टर। नहीं, मुझे शूटिंग परमिट चाहिए। अरे फिकर नॉट, आप शूटिंग का बंदोबस्त कीजिए। अरे परमीत का तो जुगाड़ में कर ही दूंगा। आवाज सुनी है गले में? सरस्वती है, सरस्वती। यार सर, आप बंदूक मार दी साली की मैंने। अरे अरे, हमें भी बोल चाहिए सर, हमें भी बोल चाहिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी फिल्म में सबको एक एक रोल मिलेगा। वाह, और शूटिंग एक हफ्ते बाद शुरू होगी, तब तक आप लोग तैयारियां करें। कैसी तैयारियां साहब? हाँ कैसी तैयारियां, गुड क्वेश्चन। आप सबको इन दोनों की तरह सिक्स पैक बनाने होंगे। सिक्स पैक? अच्छा अब हम चलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अरे मुझे भी तो कोई नीचे उतारो। और डायरेक्टर साहब, ओहो आप टेंशन ना लो जी, भाई मेरा हीरो आप ही का तो बच्चा है, चेक भिजवा दो बस। अच्छा और कब जा रहे हो माता रानी के दर्शन के लिए? तेरी माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज उसकी जगह मैं हॉलीवुड में होता, मैं। अगर तूने मुझे डैनी डॉयल के फोन के बारे में बताया होता। मुझे कैसे पता होता कि डॉयल हॉलीवुड का डैनी है? वो पिंच डैनी, डैनी कुछ कर रहा था, मुझे लगा डैनी डैन सब होगा, मैंने भगा दिया उसे। वो कैंटी बच गई सर जी। हाँ सिक्योरिटी, कौन है? अरे आशीष, तुमने किसी मनोज को बुलाया क्या? पूरा नाम तो पूछो। पूरा नाम क्या बताया?